नमस्कार साथियों, मैं राकेश प्रजापत आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, एक न्यू नर्सिंग रिक्रूटमेंट आप सबके लिए लेके आ गया हूं और एक गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी आपके लिए होने वाली है। तो पूरी चीज़ें जानने के लिए शुरू से एंड तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना क्योंकि हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। साथ साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सभी नर्सिंग के फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने पेज को लाइक और फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके पास मेरा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नर्सिंग ट्रेंड के अपकमिंग वीडियो कभी मिस नहीं करोगे। तो गाइज, इस वैकेंसी की बात करें उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप अब्रॉड में नर्सिंग जॉब करना चाहते हैं या पर्टिकुलर इंग्लैंड में नर्सिंग जॉब करना चाहते हैं और 2 लाख रुपये पर मंथ सैलरी कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या क्राइटेरिया है, कब वैकेंसी निकली है, कैसे अप्लाई करना है, सब चीजों के लिए एक मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर चेक करें। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है और आप इंग्लैंड में नर्सिंग जॉब करना चाहते हैं तो उसमें जरूर अप्लाई करें। एक जेन्युइन वैकेंसी का वो वीडियो मैंने बनाया है, उसमें किसी भी धोखाधड़ी की आशंका आपके साथ नहीं होने वाली है, आपको प्योरा श्योर होने के बाद उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आज की वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो ये वैकेंसी निकली है GMCH की और ये जो GMCH है ये चंडीगढ़ वाला नहीं है, आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। ये जो GMCH है ये है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आसाम की ये वैकेंसी होने वाली है। पोस्ट इसमें होने वाली है स्टाफ नर्स की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होगी यहाँ पर 300 वैकेंसी में जो अनरिजर्व की वैकेंसी है वो यहाँ पे होने वाली है 123। OBC की जो वैकेंसी है वो होने वाली है 81 और SC की 21 और STP की 30 और STH की यहाँ पे 15 पोस्ट होगी और EWS की 30 पोस्ट यहाँ पे होने वाली है। ये 300 जो पोस्ट होने वाली है स्टाफ नर्स की उसका क्लासिफिकेशन रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए कैंडिडेट्स की। तो कैंडिडेट्स की जो एज है वो मिनिमम यहाँ पे रखी गई है 18 ईयर और मैक्सिमम रखी गई है 38 ईयर। 1 जनवरी 2020 को आधार मानकर ये एज रखी गई है। फॉर्म आपको भरने हैं ऑनलाइन और ऑनलाइन फॉर्म अभी साइट पे अवेलेबल नहीं है। 14 फरवरी 2020 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और 29 फेब 2020 तक आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ये होगी है पूरी डिटेल इस वैकेंसी के बारे में। फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस रहेगी उसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरा नोटिफिकेशन आया नहीं है। सैलरी क्या रहेगी ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे 14,000 रुपये से स्टार्टिंग सैलरी होकर 60,500 प्लस आपका 6800 का ग्रेड पे होने वाला है, यानी अच्छा पे स्केल आपका रहने वाला है। जब भी आप स्टार्टिंग जॉब करेंगे तो यहाँ पे आपकी 40,000 रुपये या इससे प्लस पर मंथ सैलरी है वो रहने वाली है। गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो इंक्रीमेंट उसके हिसाब से होने वाला है। ऑफिशियल साइट क्या रहेगी उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ गाइज, यहाँ पे कि क्वालिफिकेशन क्या होगी और एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा है। तो गाइज, यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है इसमें GNM और BSc नर्सिंग के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मेन शर्त यहाँ पे रखी गई है क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये आसाम स्टेट की है, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज की है, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका आसाम का ही मांगा जाएगा प्लस आपका रेजिडेंस भी आसाम का ही होना चाहिए तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की पूरी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो www.gmchassam.gov.in है, इस साइट पे जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो ये इस वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई है। फिर भी कोई सवाल मन में हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें, रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सभी नर्सिंग के जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर भी कर देना। और आप अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1000 स्पेशल नर्सिंग क्वेश्चन की सीरीज का एक पर्टिकुलर मैंने वीडियोज़ बहुत सारे बनाए हैं, उन सब सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाएँ चेक करें और आपके काम की जो भी वैकेंसी हो उसमें ज़रूर अप्लाई करें।